उंगली खड़ी करने की चीखें मारी गईं, एम्पायर की उंगली खड़ी नहीं। धरने के जख्मी सांप अधमोवे हुए मरे नहीं। हम गॉड फादर नहीं है, वरना एक ऐसा यहाँ पे शोर पड़ेगा और एक इंतजार पड़ेगा, फिर हम भी संभालना चाहेंगे तो संभाल नहीं सकेंगे। हमने व्हाट्सएप कॉल की बात की, उसका नतीजा नहीं निकला। हमने हुसैन नवाज की तस्वीर के लीक करने की बात की, किसने लीक की, क्यों लीक की, किसके कहने पर लीक की, इसका जिक्र नहीं किया गया। कब तक मांगते रहेंगे भिखारी की तरह? भिखारी की तरह मांगोगे तो फिर रेमंड डेविस छोड़ने पड़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ेशान। नाजरीन, क्या नून लीग बुखलाहट का शिकार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नून लीग वाले बड़ी खुश उसलूबी के साथ खुद ही अपने बयानात के ज़रिए दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब GIT बनाई गई तो हुकूमती वज़रा मुबारक बातें दे नज़र आए, लेकिन जब GIT ने शरीफ ख़ानदान में से सबसे पहले हुसैन नवाज को तलब किया तो निहाल हाशमी का ये बयान सामने आया कि तुम पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। इसके बाद जैसे जैसे GIT की तहकीकात आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे नून लीग के रहनुमाओं की ज़बान भी तल्ख होती चली गई। कभी GIT को कसाई की दुकान कहा गया तो कभी इसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म करार दिया गया। लेकिन आज ख्वाजा साद रफ़ीक के बयानात से ये साबित हो गया कि नून लीग में वाकई इस्तराब की कैफियत पाई जाती है। लेकिन इस इस्तराब की असल वजह है क्या? क्या इसकी असल वजह GIT की तहकीकात का आखिरी मराहिल में दाखिल होना है या GIT की जानिब से मरियम सफदर साहिबा को तलब किया जाना? आज वजीर रेलवे ने सबको आड़े हाथों लिया, ना कोई सियासी हरीफ छोड़ा ना ही GIT को, बल्कि साथ साथ अदलिया के मौजे जज साहिबान के रवैयों और रिमार्क्स की भी शिकायत कर दी और ये भी कह डाला कि अगर हम चाहते तो इन रिमार्क्स पर दरख्वास्त दे सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। सवाल यह है कि क्या नून लीग वाले ऐसे बयान देकर फिर से सियासी शहीद का दर्जा हासिल करना चाहते हैं? सियासी शहादत चाहती है क्या नून लीग? सवाल यह भी है कि आखिर नून लीग को GIT से मसला क्या है? GIT तो कानून के तहत काम कर रही है, लेकिन अब जैसे GIT की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं तो क्या नून लीग की जानिब से GIT को मतनाज़े बनाने की कोशिशें की जा रही हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि मसलहत और मुनाफिकत में फ़र्क होता है, लेकिन शायद इन दोनों चीज़ों में फ़र्क सिर्फ उन कौमों में पाया जाता है जिस कौम के सियासी लीडर उसके साथ मुखलिस हों। रेमंड डेविस की अपनी किताब में इनकशाफात ने पूरे पाकिस्तान को इस सोच में मुबतला कर दिया है कि आखिर क्यों हमारे हुक्मरान आवाम को अंधेरे में रखते हैं। बाद हज़ा होने वाले इनकशाफात फिर कौम का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे वक्त में क्यों ये इनकशाफात सामने आए जब नवाज शरीफ के खिलाफ GIT तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। अहम बात तो ये है कि रेमंड डेविस की किताब को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA से क्लियरेंस मिलने के बाद ही क्यों शाया किया गया? आखिर इस किताब में किए जाने वाले शफात का असल मकसद है क्या? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ शाहिद लतीफ़ साहब हैं, ज़फ़र हिलाली साहब हैं, कावर गुमन है हमारे साथ इस्लामाबाद से और सीनियर कानूनदान फ़रोग नसीम हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फ़रोग नसीम साहब, आपसे शुरू करती हूँ। जब से GIT तहकीकात कर रही है, कभी GIT को कसाई की दुकान कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी जाएगी, कभी इसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म कहा जाता है जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, और आज तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कह दिया कि GIT सच की तलाश में या फिर मछलियाँ पकड़ रही है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे रिमार्क्स पर जो इन लोगों की जानिब से बयान दिए जा रहे हैं कार्रवाई करनी चाहिए? तो इन्हें अदालत के ज़मरे में आता है? जी, तो इन्हें अदालत के ज़मरे में बिल्कुल ये आता है, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। अभी GIT को अपनी जो भी रिपोर्ट है, हमें नहीं पता क्या रिपोर्ट होगी, मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं पता, वो रिपोर्ट देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, फिर उसकी बेसिस पे या अपने तौर पे जो भी फैसला है वो देना चाहिए ताकि ये मामला ख़त्म हो वन वे और दी अदर। उसके बाद फिर ये तमाम जो कमेंटबाजी है, जुगतबाजी है, ताने देना है, टॉन्ट करना है, प्रेशर में डालना है, ये सारा का सारा आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जुमरे में आता है जो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का प्रिंसिपल आर्टिकल है, और उसमें जो उसकी एक बुनियादी शिक है वो ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ जस्टिस है। आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जस्टिस को। GIT जो है वो अपने तौर पर कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक एक्सटेंडेड आर्म है इस केस के लिए।
ये आप उनको भी प्रेशराइज कर रहे हैं, जजों को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, फॉर व्हाट, फॉर नथिंग, उससे कोई माइलेज नहीं मिलेगा। आप बेहतर तौर पर इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, जब एक खिलाड़ी हार रहा होता है और उसमें इतनी जरूरत नहीं होती कि वो हार को फेस कर सके, तो वो चीटिंग का शोर मचाना शुरू कर देता है। तो आपको लगता है कि नून लीग के इस तराब की, इस कैफियत की वजह ये है कि शायद नून लीग को लग रहा है कि वो हार रहे हैं, ये नून लीग बुखलाहट का शिकार होकर इस तरह के बयान दे रही है? जब कोई हारने लगता है, केस आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं, तब इस तरह के बयान सामने आते हैं? मैडम मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, ना मैं शायद इस पर कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक तो ये नहीं पता कि वो क्या नून लीग वाले फील कर रहे हैं, वो हार फील कर रहे हैं, जीत फील कर रहे हैं, गॉड नोज। लेकिन मैं सिर्फ एज अ लॉयर ये बात कर सकता हूँ, ये तमाम इस किस्म की बातें जो हैं बिल्कुल गलत हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और ये खेल नहीं है। खेल में तो हार जीत होती है, और उसमें खेल में जो इसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती है वो ये शोर मचाता है, ये खेल नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हैं। जब स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट हुआ था 1998 में, तो आपको पता है कि उसके बाद जब मुशर्रफ साहब का टेक ओवर भी हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को छोड़ा नहीं, और इन दी एंड कम से कम 3 या 4 MLN के लोग थे जिनको कन्विक्ट किया, जो जेल तक गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फरोग नसीम साहब आपका। शाहिद लतीफ साहब, सवाल मैं आपसे करती हूँ, नून लीग क्या बुखलाहट में आकर इस तरह के बयान दे रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब फैसला आया था जिसके अंदर 2 जज साहबान ने बाकायदा इनको मुजरम करार दिया, और 3 जज साहबान जो हैं उन्होंने JIT का रास्ता दिखाया और कहा कि इनको मजीद मौका मिलना चाहिए, तो आपको याद होगा कि उस वक्त तो मिठाइयाँ तकसीम हुई थी, मुबारकबाद दी गई, इन्हें महसूस हुआ कि हम मुबारकबादें दी गई, दुनिया के सामने मिठाइयाँ खाई गई, खिलाई गई, और उन्होंने तो फतह का ऐलान कर दिया था बग़ैर सोचे समझे कि ये फतह नहीं थी, जो वक्त के साथ साथ उन्हें एहसास होता चला गया, और जूँ जूँ उन्हें एहसास होता चला गया कि JIT का मकसद जो है वो कोई उनकी फतह का जश्न मनाने वाला इकदाम नहीं है, उसका मकसद ये है कि तीनों जज साहबान जो हैं वो इस मामले में उनको गो उन्होंने एक मौका दे दिया, मगर वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तभी उन्होंने एक और मौका दिया। और उनके जो, अगर आप पढ़ें जो उनके रिमार्क्स हैं, वो सारे के सारे तकरीबन वही हैं जो दूसरे 2 जज साहबान ने दिए थे, और इसीलिए इन 3 जज साहबान को JIT का इंचार्ज भी मुकर्रर कर दिया गया। तो वक्त के साथ साथ जूही ने महसूस हुआ कि ये कोई फतह वाली बात नहीं है, लिहाजा हमने देखा कि शुरू से ही JIT को तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा, और फिर अभी जो आपने जिन रिमार्क्स का जिक्र किया वो JIT के बारे में अजीब तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाने लगी, और एक उनके कारकुन हैं वो तो इस हद तक चले गए, बहुत सीनियर हैं वो, जिन्होंने कहा कि जी ये आपको मालूम नहीं है कि आप हिसाब किसका कर रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो वो वज़ीर आज़म साहब के बेटे हैं, यानी हमें बताया गया, और फिर ये भी कहा गया कि हिसाब जी बिल्कुल, और फिर ये भी कहा गया कि हिसाब करने वालों तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। तो ये इससे बढ़ के भी कोई तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है उस JIT को जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई? मेरे मुताबिक JIT, बल्कि सबके मुताबिक JIT जो है वो तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का किरदार अदा कर रही है, तो अगर आप तनकीद कर रहे हैं और इस तरह की धमकी दे रहे हैं, वो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को आप धमकी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त के साथ साथ चूंकि एहसास होता चला गया, और जैसे अभी आपने कहा कि बिल्कुल अब तो बुखलाहट का समा है, और उन्हें JIT की कोई भी चीज़ जो है वो सीधी नज़र नहीं आ रही, और JIT पर भरपूर तनकीद है, उसके ऊपर बयानबाजी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और तकरीबन ऐलान किया जा चुका है कि JIT जो है वो उसको मुतनाज़िया बना दिया गया है, और अब बयान ये आ रहे हैं कि JIT अवाम की नज़रों में मुतनाज़िया हो चुकी। कौन से अवाम की नज़रों में मुतनाज़िया हो चुकी हमें नहीं मालूम, कि ये हुकूमत अगर खुद को अवाम समझती है तो आपने तो मुतनाज़िया उसको डिक्लेयर कर दिया, पर अवाम के सामने तो कहीं मुतनाज़िया नहीं हुई। कहाँ से ऐसी तनकीद जो है वो JIT के बारे में देखने में आ रही है? अदालत है जो इलेक्शंस में लगेगी। हिलाली साहब, क्या वजह है इस शिद्दतबाजी की, इतने शिद्दत पसंदाना बयान आप जो दिए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से?
میرے خیال میں یہ آخرت آ رہا ہے، ان کی پولیٹیکل قیامت آ رہی ہے اور اس لیے بکلاٹ بڑھ رہا ہے، اور ہر تقریر میں ریڈیکیول اور انسلٹ اپنے اب مخالفوں کو اور سب کو وداؤٹ کیئرنگ یہ تو کہہ رہے ہیں. مگر دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو تین چیزیں. آپ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل فتنہ بازی ایک کرنے میں بڑے ماہر ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام، ان کے درمیان یہ بڑے اچھے طریقے سے فتنہ بازی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ود ان اداراز، میں ادارہ کا نام نہیں لوں گا، مگر ود ان دی ادارہ جو اس وقت ان کے لیے بڑا کروشل ہے، اس کے اندر بھی ڈویژنس اور پہلے بھی انہوں نے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ان کا قسمت دیکھیے، لک دیکھیے. سب لوگ ہم سوچ رہے تھے کہ 2014 میں یہ چلے گئے تھے، یہ دھرنے کا شکار ہو گئے تھے، مگر پھر امپائر نے آیا اور امپائر نے کہا چلو کنٹینیو چلو. ہم نے کہا بھائی یہ ختم ہو گئے تھے، ان کا پھوپھا ختم ہو گیا تھا، مگر پھر ادھر ایک لیس آف لائف مل گیا. اس کے بعد 2017 میں جب ڈان لیکس آیا، ہم نے کہا بھائی یہ تو آخرت، اب یہ تو ختم ہے. ادھر بھی آپ دیکھیں سڈنلی ایک نیا نیو ونڈ یہ ملا ان کو، اور پھر وہ کنٹینیو کرتے رہے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا لک کیا ابھی تک چلے گا؟ کیا یہ جے آئی ٹی کے رپورٹ کے بعد اور ورڈکٹ کے بعد یہ پھر کچھ قسم کا لک تو پھر اوپر سے آتی ہے نا؟ لک تو پھر اوپر سے آتی ہے، آپ بنا سکتے ہیں، میں بنا سکتی ہوں. بالکل، مجھے بریک لینا، مگر اوپر سے انصاف بھی آتا ہے، انصاف بھی آتا ہے. بالکل، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. اب جبکہ جی آئی ٹی کی تحقیقات آخر مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، تو ایسے میں ایس سی پی کے ریکارڈ میں تبدیلی کا سامنے آنا، کیا یہ بھی ایک سازش ہے؟ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خاور، خواجہ سعد رفیق نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ 4 سال سے ان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، انہیں 4 سالوں سے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. بات یہ ہے کہ کبھی دھرنے ان کی ترقی کو روکتے ہیں، کبھی پاناما کیس ان کی جو ترقی ہے معیشت کو روکتا ہے، ترقی کو روکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ ایکسکیوزز ان کو آپ بچا نہیں سکتی ہیں؟ جانا چاہتے ہیں عوام کی عدالت میں، سیاسی شہادت جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ نہ کر پائیں. دیکھیں، وہ تو ایک سیاسی بیان ہوتا ہے. اب چونکہ اب آخری سال ہے، الیکشن ایئر ہے، تو اب چونکہ جنہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں وعدے وعید کیے تھے وہ اب پورے نہیں ہو رہے، تو اب کچھ بہانے تو ڈھونڈنے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، انہوں نے آج تقریر میں جو ڈفرینٹ پوائنٹس ریز کیے خواجہ سعد رفیق میں، ایک بات انہوں نے کی واٹس ایپ کال کی. واٹس ایپ کال کے بارے میں میں سپریم کورٹ میں اس دن موجود تھا، وہاں پہ جسٹس اعجاز الحسن جو 3-member بینچ ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ تماشا بند کریں، یہ ہمارے کہنے پہ سارا، یہ سارے جو ممبرز کی سلیکشن ہوا ہے ہم نے کی. اس کے بعد جو حسین نواز کی تصویر کا معاملہ ہے جو سعد رفیق صاحب بات کر رہے تھے، اس حوالے سے ججز صاحبان نے کہا تھا کہ اس جس بندے نے یہ تصویر لیک کی تھی اس کے خلاف ایکشن لیا جا چکا ہے، اس کو واپس اپنے ڈپارٹمنٹ بھجوایا جا چکا ہے. اگر اٹارنی جنرل جو ہیں اشتر اصاف صاحب، وہ اگر اس بندے کا نام لیک کرنا چاہتے ہیں یا اس ایجنسی کا نام لیک کرنا چاہتے ہیں، وہ پلیز ضرور کر دیں، یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے. اور یہ آپ کو میں خبر دوں کہ گورنمنٹ یہ تصویر کے جو سارے وہ ڈانڈے ملتے ہیں، یہ انہی کے کوئی بندہ اس میں انوالو تھا، وہ آنے والے دن میں پتہ چل جائے گا کہ اصل تصویر جو لیک کروائی تھی وہ کون تھا. تو یہ گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہے، وہ بندے کا نام بالکل اس کو پبلک کریں، وہ اس ادارے کا نام بھی پبلک کریں. اچھا، آپ بات کرتے ہیں، ہمیں یہ ڈرا رہے ہیں کہ جی خدا نخواستہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا تو اس ملک کے اندر انتشار پھیل جائے گا، یہ ملک کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو بھی بھائی صاحب کے ٹرک میں نہ چڑھنا پڑ جائے، آپ کی حکومت آئے گی، آپ ہمارے ساتھ نہیں بھجوا. مطلب وہ اس طرح سے ڈرانے دھمکانے کی بات، ظاہر بات ہے جوں جوں یہ 10 جولائی قریب آ رہا ہے تو یہ ہمیں یہ اس طرح کی ڈرا رہے ہیں. وہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے کسی جمہوری ملک کے اندر کہ آپ آئے دن جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ 1997 کے اندر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کہ ان کے وہ ماتھے کا جھومر ہے کہ یہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے فزیکل اٹیک کیا تھا اور ججز صاحبان کے چیمبرز تک یہ گئے تھے. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کہ جی ہمیں عوام کی عدالت میں لے جانا ہے.
अभी अवाम की अदालत जो डिसाइड करेगी हम वही बेहतर होगा, तो फिर उजैर बलोच को भी इलेक्शन लड़ने दें, वो भी लियारी से आराम से इलेक्शन जीत जाएगा, उसके खिलाफ क्यों जीआईटी बनी हुई है? खुदा का खौफ करें, ये जो इलेक्शन होते हैं उसका एक डिफरेंट काम है, गवर्नमेंट को इलेक्शन करना है, उसके बाद तो फिर जो अदालती काम है, अगर किसी पे ऊपर चार्जेस हैं वहाँ पे आप सबूत दें और आराम से निकल जाएं। ये किस तरह हमें ये डरा रहे हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फाइनली बात करते हैं ये कि जी डिक्टेटरशिप्स रही हैं इस मुल्क के अंदर, ये ख्वाजा साद रफीक साहब बेशक ये और इनकी फैमिली इनका किसी डिक्टेटर के साथ ताल्लुक वास्ता शायद नहीं रहा, लेकिन ख्वाजा साहब जिस खतरे की हम बात कर रहे थे उसके कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे, लीडर हैं नवाज शरीफ साहब वो किस ये किसकी पैदावार है, उसके बाद इनके चेयरमैन है राजा जफरुल हक साहब, वो ओपनिंग बैट्समैन थे जियाउल हक साहब के, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब उनके वाले साहब ख्वाजा सफदर, सबको पता है कि मजलिस शूरा के वो स्पीकर है, उसके बाद चौधरी निसार साहब उसका उनका किसी चीज़ को इल्म नहीं है, 80-85 के अंदर जनरल ज़िया के साथ, ये सारी की सारी कहने सुने की बातें हैं, मसला शाजिया एक ही है कि इनको कुछ निविष्टा दीवार नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद जो है एक घेरा इनके इर्द गिर्द तंग हो रहा है, कुछ सबूत मिल गए हैं, और सीधी सी बात है पाकिस्तान की जो आला अदलिया है वो एक प्रोसेस को ओवरसी कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें इस मुल्क को इंतजार शायद लतीफ साहब जिस खौफ और खतरे की वो बात कर रहे हैं, अदलिया को अपना काम करने दे, आपके पास सबूत है पेश करें, शायद साहब से बात करें, अगर अदलिया जो है एक्सेप्ट कर लेती है ठीक है, अगर नहीं कर ले तो घर जाएं बात करें। शायद लतीफ साहब जिस खौफ और खतरे की वो बात कर रहे थे कि इंतजार फैल जाएगा, फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि हम भी जाएंगे तो कंट्रोल नहीं हो सकेगी, इमरान खान तुम्हें भी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ ट्रक पर बैठना पड़ जाए, तो हालात आपको लगता है कि उस तरफ जा रहे हैं? जाहिर है सबको समझ आ रही है तीसरी कुव्वत की वो बात कर रहे हैं। जी जैसे मैंने पहले भी बात की कि इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है कि अवाम के सामने जीआईटी जो है वो मुतनाज़ा हो चुकी, मैंने तो अभी पूछा कि कौन से अवाम के सामने मुतनाज़ा हो चुकी, अवाम की तरफ से तो कोई ऐसी बयानबाजी नहीं हो रही, ये तो रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं आपके डिटेल किए हुए लोग हैं जिनको हुक्म दिया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, धमकियां भी दो, इनको मुतनाज़ा भी बनाओ, और जहां जहां मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इन्होंने की वो सब नाकाम हो गया मामला, यानी दो मेंबर्स थे उनके ऊपर इन्होंने पहले जो है एतराज़ात किए, सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, उन्होंने छानबीन की, उन्होंने कहा जी हरगिज़ ये काबिल एतराज़ नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, लिहाजा वो अपना काम कर रहे हैं, आज भी अपना काम कर रहे हैं, फिर वो तस्वीर के नाम पर उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, फिर वो व्हाट्सएप की कॉल जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है, यानी इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं निकला, और अब इस तरह की धमकियाँ देना कि जी इंतशार फैल जाएगा, कैसे इंतशार फैल जाएगा, क्यों इंतशार फैल जाएगा, वो तो यानी धमकियों का मकसद एक ही है, वो ये है कि लोगों को डराया धमकाया जाए, अदालत को डराया धमकाया जाए, जीआईटी को डराया धमकाया जाए, ये कौन सी जमहूरियत है, यानी इस चीज़ का नाम जमहूरियत है कि अगर अदालतें, यानी एक तरफ आप कहें कि हमारा अदालतों पर पूरा एतमाद है और जो भी उनका फैसला आएगा सर आंखों पर होगा, और उसके साथ जीआईटी को फिर डराना धमकाना आप शुरू कर दें, और ये जमहूरियत है कि सारे इदारे आपने काबू किए हुए हैं, जिन इदारों से वो लोग आए आप समझते थे कि क्योंकि वो हमारे मातहत इदारे हैं तो जीआईटी हमारे साथ होगी, पर ऐसा नहीं हुआ, ये तो इस मुल्क की मैं समझता हूँ कि तारीख में एक नया बाब है जो हम रकम करने जा रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डटकर मुकाबला करने की ठान रखी है, जिस तरह जीआईटी को पूरी सपोर्ट वो कर रहे हैं, इस मुल्क की तारीख में ऐसी चीजें कम ही आपको नजर आती हैं, तो ये धमकियां हैं, ये लोगों को डराने की बात है, अदलिया पर मैं समझता हूँ दबाव डालने की बात है, मगर ऐसे होचे हथकंडे जो हैं मैं समझता हूँ कि काम नहीं करने जा रहे, ये बेशक कह लें कि हाँ जी इमरान जो हैं वो आप हमारे साथ गिर जाएंगे, यानी दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं, ये तो आप खुद ऐसी चीज पैदा कर रहे हैं जिसमें जो है वो तसादम की सूरत हाल पैदा हो जाए और फिर निज़ाम जो है उसके अंदर मुदाखलत करनी पड़े, ये तो आप वो सिचुएशन खुद पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे में एससीसीपी के रिकॉर्ड में आधी खबर जरा हिलाली साहब से कमेंट ले लूं, एससीसीपी के रिकॉर्ड में ऐसे वक्त में तब्दीली लाना, तो जाहिर है हिलाली साहब ये भी रिपोर्ट को मशकूक करने की एक साजिश है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो छोटे चालाकी स्मॉल लिटिल क्लेवर प्लेज हैं इनके, मगर शाजिया बड़ा जबरदस्त एक किस्म का फैसला हुआ है और डिसीजन हुआ है, अब मुझे नहीं पता ये कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस डिसीजन है, मगर लगता ऐसा है कि जो लोग इस मामले में शरीक हैं वो तुले हुए हैं कि ये सियासी शहीद नहीं बनेंगे।
आप समझ गए ना, इनको ये चाहते हैं सियासी शहीद बने। और फ्रेंकली डॉन लीक्स पे मेरे ख्याल में जब ये लिखा जाएगा डॉन लीक्स में हुआ क्या और कैसे हुआ, ये बनने वाले थे सियासी शहीद, बल्कि शायद ऑफर किया था उन्होंने ले जाओ भाई ठीक है फिर निकाल दो, मगर इनको नहीं बनने दिया, एट अ बिग कॉस्ट एट अ ग्रेट कॉस्ट नहीं बनने दिया। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही रुख पे जा रहा है और इनको सियासी शहीद नहीं बनना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी नहीं देना चाहिए इनको सियासी शहीद। और हम ये सब बर्दाश्त करें और सुने, और कोर्ट ने तो कह दिया है, कोर्ट ने तो कहा है हम सुन रहे हैं, हम कुछ इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, मगर ऑल दैट इज बीइंग सेड हम समझ रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू इट, और एक दिन उस पे भी हम कोई एक्शन लेंगे। आई थिंक इट इज गोइंग वेरी वेल। खबर आप कुछ कह रहे थे फिर मुझे ब्रेक पर जाना। जी मैं शाजिया ये बताना चाह रहा था, जो अभी ख्वाजा साद रफीक बात कर रहे थे ना कि जी एमआई और आईएसआई के नुमाइंदे पे हमें इतराज था, हाँ। तो लाहौर में जो मालटाउन की जेएटी बनी थी वहां पे भी इन लोगों को डाला था आपने, वो तो आपके हलाल हो गई, फैसला आपके हक में आ गया। डॉन लीक वो जो इंक्वायरी कमीशन था वो भी गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी, उसमें भी डाला था इन लोगों को, वो भी हलाल है। तो अब यहाँ पे अगर ये लोग आ गए तो यहाँ पे हराम हो गई है जेएटी। इनके जो कॉन्ट्राडिक्शन देखे इनके अपने बयान के अंदर, अपने ये सारा ये काम कर रहे हैं। और सीधी सी बात है शाजिया, इनको अकल के नाहुन लेने चाहिए, इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा हो गया है, अब रूल ऑफ लॉ का के दिन आने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास केस है, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दिस केस। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे करेंगे कि रेमंड डेविस के इंकशाफात का आखिर मकसद क्या है, छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद शाहिद लतीफ साहब। जनवरी 2011 में जब रेमंड डेविस का वाकया पेश आता है, मरकज़ में पीपल्स पार्टी थी, पंजाब में नून लीग थी, और फिर दो महीने बाद हमने देखा कि मार्च के शुरू में सदर जरदार साबिक सदर जरदारी की जानिब से काला सतही मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें टास्क दिया जाता है रेमंड डेविस को छुड़वाने का। और आज खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि ये गद्दारी है, मुल्क से गद्दारी की गई है, जिसने भी रेमंड डेविस को बाहर भेजा, जो भी मुलव्वस है उसको कटहरे में लाया जाए। तो मुझे लगता है शाह साहब भूल रहे हैं कि सदर भी उनके थे, वज़ीर आज़म भी उनके थे, जिन्होंने मुल्की वक़ार को एक साइड पर रखते हुए अमेरिका से ताल्लुकात की खातिर जो मुल्की वक़ार था उसको मजरूह किया। देखें ये वो एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कि बार बार हमारे सामने आती है, जिसके तहत लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है। यानी हमारे जो लीडरान हैं वो ये समझते हैं कि लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर है और इतनी छोटी है कि जब चाहो इनके सामने बयानबाजी ऐसी कर दो कि जिसके तहत वो समझें कि जी ये बहुत नेक पाक लोग थे और कोई और है कि किसी और प्लेनेट से कोई आया जिसने आके यहाँ ये काम कर दिया। ये क्या दुनिया को नहीं मालूम कि उस वक्त क़यादत किसकी थी, कि उस वक्त जो है वो हुकूमत किसकी थी, ये सबको मालूम है, मगर ये लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं और ये नहीं देख रहे होते कि बेवकूफ आप सबसे बड़े नजर आ रहे हैं, कि आप धूल झोंकने के मुतरादिफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, लोग इसको समझते हैं, लोगों में शऊर है और वो याद इन बातों को रखते हैं। और आज उस शख्स ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा वो तो शर्म से हम सबके सर झुक जाने चाहिए, मगर ये कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं है, किसी एक के ऊपर आप उंगली नहीं रख सकते। वो मुल्क वो रियासत जो दुनिया भर की मकरूज हो, जो सर तक कर्जों में डूबी हुई हो, जो एक भिखारी का रोल इख्तियार कर चुकी हो, जो कशकोल लेकर दुनिया के हर कोने में फिर रही हो, और ये जो उसने अपने आका बना रखे हैं उनके सामने फिर आपके पास जुर्रत है कि उनके हुक्म के सामने आप अपना सर खड़ा कर सकें, उसको ना कर सकें। ये है मंजरनामा जिसके तहत वो शख्स आया, दिन दहाड़े उसने आपके दो बंदे कत्ल किए। और बाय द वे ये केस कोई आम मर्डर की कहानी नहीं है, ये केस दरअसल दहशतगर्दी का है। इसमें हमारी अदलिया भी शामिल है कि ये जो दियत वाला मामला है जिसमें आप पैसे लेकर छोड़ देते हैं, ये मामला एक टिपिकल मर्डर जिसमें कत्ल किया जाता है उसमें कंसिडर किया जा सकता है, मगर कानून ये कहता है कि दहशतगर्दी के मामले में कोई किसी किस्म की माफी उससे पैसे लेकर उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये जो है मजमूई तौर पर
हमारे पूरे सिस्टम का फेलियर है जिसमें हमारे इदारे शामिल हैं, जिसमें हमारी क्यादत शामिल थी। जैसे मैंने कहा कि उनमें तो इतनी जरूरत हो नहीं सकती कि वो अमेरिका के सामने किसी बात में ना करें। यही बात, तो लिहाजा ये एक हमने अपना तमाशा बनवाया। शर्म से हमारे सर झुकने चाहिए। और हम चूंकि एक इतनी कमजोर पोजीशन में आ चुके हैं, आज भी हमारी यही हालत है कि जहां से हुक्म आएगा आपको मानना होगा। आप इतनी कमजोर पोजीशन में हैं, आप एक गुलाम हैं, जैसे मैंने कहा भिखारी बन चुके हैं। आप अपने आकाओं के सामने खड़े होकर उनकी किसी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। यही बात हिलाली साहब, आज भी खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मामला दरपेश होगा तो उसका नतीजा यही निकलेगा। सही हिलाली साहब, इस कहानी को पढ़ने से अंदाजा होता है कि हमारी जो एलीट है इसमें इतनी जरूरत नहीं कि ये अमेरिका के सामने स्टैंड कर सके। इसकी वाज़ह मिसाल देख लें, अमेरिका जब ड्रोन यहाँ पर भेजता था, हम ईरान का ड्रोन गिराने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आज तक जरूरत नहीं हो सकी। लफाजी बयानात की हद तक जरूरत थी कि अमेरिका को जो है थ्रेट कर सकते कि पाकिस्तान में ड्रोन ना भेजे। लेकिन आपको लगता है कि इसकी वजह यह है कि हम अमेरिका की फंडिंग पर बहुत ज़्यादा इनसार करते हैं, जिसकी वजह से हम अमेरिका के सामने जो अपनी इंडिपेंडेंसी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं? नहीं शादिया, हम अमेरिका की फंडिंग क्या है, अब अमेरिका से डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है? 100-200 मिलियन डॉलर मिल रहा है, और वो दूसरे जो बैंकों का असिस्टेंस है, अगर आप अपनी इकोनॉमी को ठीक से चलाए वो भी आपको वो कशकोल लेके भागना नहीं पड़ेगा उनके। नहीं, ये नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए शाजिया, ढाका और उसके बाद कारगिल, उसके बाद बिन लादन और उसके बाद रेमंड डेविस, इनमें एक कॉमन थ्रेड है। द थ्रेड इज के जिधर हमारे पे प्रेशर आता है हम सकम कर जाते हैं। कारगिल में तो भागे भागे गए अमेरिका को, जुलाई में गए और नेशनल हॉलिडे में क्लिंटन को पकड़े और कहा खुदा के लिए बचाओ। अरे भाई गए क्यों अगर नहीं तुम भुगत सकते थे? अच्छा, दूसरी बात बिन लादन का तो खैर छोड़ें, इसका सोचें। अब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, पता है आपको हिंदुस्तानी क्या कहते हैं? कहते हैं अमेरिकनों ने उनको ठीक ठाक धमकी दी। अमेरिकनों ने कहा कि बच्चू छोड़ो इसको, नहीं तो तुम्हारी हम ऐसी की तैसी कर देंगे। फट करके इन्होंने बहाने बनाए, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, बल्कि उन्होंने गुनाह भी किया। गुनाह ये किया कि शरिया को उन्होंने मिसयूज किया अपने कमजोरी से निकलने के लिए, आप समझ रहे ना। और वो बेचारी एक औरत जो खुदकुशी कर ली, वो क्या कहती रही है? उसका कभी किसी ने सोचा है वो क्या कहती रही है? वो कहती रही है कि बदला चाहिए मुझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये जो मेरे मंगेतर को जो आप लोगों ने मारा है। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि हमारा नेशनल ऑनर, नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट, नेशनल लॉज, हर चीज वायलेट हो गया है। क्यों? कि एक अमेरिकन था और वो दो लोगों को कत्ल किया और हमारे में जुर्रत नहीं थी। तो आज क्या हो रहा है शाजिया? हिंदुस्तान कह रहे हैं यार इनको पैसे दो, गुलबर्शन को पूछो तुमने कितने लोगों को मारे हैं, और उनके रिश्तेदार को जाओ मिलो और उनको कहो कि यार ये पैसे हमारे से ले लें या मेहरबानी से इसको छोड़ दें। अमेरिका दिन रात आपको धमकी दे रहा है, कहता है ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा। क्यों कर रहा है? इसलिए उनको पता है कि वो थ्रेट्स जो आते हैं आपको, आप थ्रेट्स को देख के डर जाते हैं। अफरीदी के बारे में क्या क्या नहीं कह रहे हैं उन लोगों को, क्या अफरीदी का भी नतीजा ये होगा? सवाल मैं खावर से करने वाली हूँ। खावर, अमेरिका का टारगेट था ओसामा बिन लादन, वो उन्होंने पूरा किया। अमेरिका का टारगेट था रेमंड डेविस को छुड़ाना, वो छुड़ा कर ले गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में कहा था शकील अफरीदी को तो हम ले आएंगे। आपको लगता है कि अब शकील अफरीदी भी इसी तरीके से, शकील अफरीदी को भी रिहाई मिलने वाली है, अब ये इशू खड़ा होने वाला है? शाजिया, मेरे ख्याल में इसमें कोई हम ऐसे खाम इस इशू पे बहस कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान का स्टेटस जो अभी तक रहा है वर्सेस यूएस, वो हमारा, हम एक सैटेलाइट स्टेट हैं, तफैली स्टेट हैं। अगर तफैली स्टेट या सैटेलाइट स्टेट की आप डेफिनेशन पढ़ लें तो साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है कोई ऐसा मुल्क जिसकी दिफाई, जिसकी इक्तसादी, जिसकी फॉरेन सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस होती हैं किसी सुपर पावर के। हम वहाँ से लेते हैं, लेके खाते हैं और उसे उन्हीं की बात मानेंगे। अब मैं बिल्कुल जो हलाली साहब बात कर रहे हैं उसे एग्री नहीं करता। देखें, अभी भी आपको पता है आपकी इकोनॉमी का हशर क्या है, आपका जो जो बजट डेफिसिट किस लेवल पर जा चुका है, 4.5 तक जा चुका है, आपके कर्जे जिस तक किस हद तक जा चुके हैं। अभी आप दोबारा, खबर यह है कि आप दोबारा आप IMF के पास जाने वाले हैं क्योंकि आपके, आपकी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हैं। तो
तो बेल आउट पैकेज IMF क्या अमेरिका की मर्जी से बगैर मिलेगा आपको, वर्ल्ड बैंक या दूसरे बैंक आपको असिस्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, मैं अब असल इशू की तरफ आते हैं। देखिए वो एक वाकया हुआ, चले उसको हो गया, आज की तारीख के अंदर कुलभूषण आपके पास है ना, कुलभूषण ने एतराफी बयान दिया है, उसने कहा है कि मैं दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस रहा हूँ, उसने कहा है कि यहाँ यहाँ पे मैंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, इतने लोग मारे हैं, उस पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तो एक एक फैसला आ गया है। कल ये हमारे जो आजकल जो बहुत ज़्यादा जो लिबरलिज्म का प्रचार करते हैं टेलीविजन पर आके, वो जनरल पाशा का नाम ले रहे हैं, चलो उसने जो कुछ किया, अब तो आपके साथ है ना, सुबह निकले बाहर, हमारी ये जो अभी सो कॉल्ड जमहूरियत है, जमहूरी मुल्क है, अब करें इसको, कुलभूषण को क्यों नहीं करते, इसको इमीडिएट उसका ट्रायल करके उसको फांसी क्यों नहीं लगाते। उसकी वजह यह है कि जब इंटरनेशनल लेवल के अंदर सारे मामला चल रहे होते हैं ना, अब भारत तो उसको बचाने के लिए कुलभूषण को चला गया ICJ के अंदर, उधर भी आपके हाथ बंधे हुए हैं, अब इंटरनेशनल प्रेशर आपके आ रहा है, तो आपने वो बिल्कुल कुलभूषण को किसी ना किसी मौके के ऊपर आप पे इतना प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह यह है कि आपके पांव कमजोर हैं। आपके कहने का मतलब है कुलभूषण भी रेमंड डेविस बनने वाला है, किसी ना किसी मौके पे आपको आगे देना पड़ता है जी। जहां तक वो रेमंड डेविस का, देखें एक चीज मोहतरम शाह लतीफ साहब फोर्सेज में रहे हैं, देखें पूरी दुनिया के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं काम करती हैं, अब ये रेमंड डेविस वो यहाँ पे एक हाई प्रोफाइल CIA का ऑपरेटर था, पकड़ा गया, एक हादसा हुआ, अब जाहिर बात है एक सुपर पावर का उनका वहां पे नुमाइंदा है, वो आप क्या ऐसे ही कहेंगे ठीक है इसको पकड़ें, इसका ट्रायल करें, आप इसको फांसी दे दें, उस वक्त आप उसके कोलिशन सपोर्ट फंड ले रहे थे, उस पे अलावा और आपकी जो एनुअल ग्रांट्स आ रही थी अमरीका के से आ रही थी, वो फिर जो जिसका हाथ नीचे होता है वो उनको बात माननी पड़ती है जो दे रहा होता है आपको, तो मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, अपने आप को मजबूत करें तो फिर आंखों में आंखें डाल के बात कर लें, अमेरिका से भी कर लें और बाकी लोगों से भी कर लें, फिलहाल तो हमारी इतनी वक्त और इतनी हमारे में सख्त नहीं है कि हम अमेरिका के सामने खड़े हो जाएं। और ये जो हमारी आजकल की जो जमहूरियत है, जो आजकल ख्वाजा साद रफीक साहब हमें डरा रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क के अंदर इंतजार फैल जाएगा, ठीक है भैया आप इंतजार फैला लें फिर जी। ब्रेक के बाद हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और साथ ये भी बात करेंगे कि रेमंड इनकशफात पर पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर क्या कुछ असर पड़ेगा, एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब कुछ कह रहे थे आप जी, मैं दो चीज़ें जल्दी से कह दूं। नंबर वन, ये क्या कहने की बात है, ये खावर साहब कह रहे हैं कि इकॉनमी वीक है तो हम दबे रहे हैं। अरे भाई इकॉनमी वीक है, अगर इकॉनमी वीक है टैक्सेस कलेक्ट करो ना, तुम्हारे को टैक्सेस भी नहीं है, 500 ट्रिलियन रुपया कलेक्ट करो, बिलियन रुपया कलेक्ट करो टैक्सेस में, कोई इकॉनमी वीक नहीं है। और ये तो एक बहाना है कि इकॉनमी वीक है, इसलिए वीक है कि आपकी इकॉनमी चला नहीं सकते हैं आप इनकेपेबल इनकॉम्पिटेंट हैं। दूसरी बात, आफिया को 80 साल आपने सजा दिया, 80 साल के उसने कोशिश की एक अमेरिकन सोल्जर को गोली से राइफल उठा के मारे, 80 साल सजा मिला है, और ये आदमी दो कत्ल किया दादर सबके सामने, और आप एक जहाज मंगवा रहे हैं उसको भेजने के लिए, इज दिस को देखिए। तो क्यों अमेरिकन कहते हैं इनको दबाओ दबाओ दबाओ, डू मोर, इसलिए कि उनको पता है कि प्रेशर से इधर काम होता है। ये एक पुराना थर्ड वर्ल्ड है कि भाई कैरेट्स तो छोड़ो स्टिक इस्तेमाल करो, तो ये एक तरीका है। तो खुदा के लिए अगर आप पनिश करते वो रेमंड डेविस को, मर्डर मैनस्लॉटर जो भी होता अभी तक जेल में होता, 15 साल 20 साल जो भी था उसको मिलता, 10-15 साल के बाद उसको वैसे ही जाने देते, क्या इज्जत होती आपके। ओबामा ने आके देखिए ये कैसे, माफ करिए हिलाली साहब, शायद आज कुलभूषण यादव को लेकर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो प्रेशर भी ना पड़ता। एग्जैक्टली, थैंक यू शाजिया, यही पॉइंट मैं पहले कह रहा था कि ये सब प्रेशर आप पे आते नहीं, बिल्कुल सही। अगर आप उस पे तो मेरे ख्याल में कि यू नो वंस यू गिव इन टू प्रेशर, और खास तौर अमरीकनों से, अब देखिए कैसे आके उसने कहा कि रेमंड डेविस इज अ डिप्लोमैट, किसने कहा, ओबामा ने। जब मैं ये सुना मैं आई कुडंट बिलीव इट भाई, एक बॉडी तो अमेरिका अपना आखिरी टारगेट शकील अफरीदी भी हासिल कर लेगा हिलाली साहब। करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा शाजिया, आप इस पे कमजोरी दिखाएं, बिल्कुल करेगा। आपने अगर ये गुलभूषण को अकॉर्डिंग टू योर लॉ आफ्टर ICJ अगर उसको वो सजा नहीं मिला जो मिलना चाहिए,
सही। बिल्कुल वो करेगा। सही। शाहिद लतीफ साहब, जो खावर साहब ने बात की मैं उसकी तायद करता हूं, इसलिए कि दुनिया में बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैंने भी पहले यही बात की, ये जो हलाली साहब कह रहे हैं कि उसका प्रेशर आता है और हम दब जाते हैं, भाई कौन दबता है प्रेशर के नीचे, जो खुद कमजोर होता है। Yes. क्या हम कमजोर नहीं हैं? ये मैं हलाली साहब से इत्तफाक करता हूं कि हम दरअसल गरीब मुल्क नहीं हैं। हमारे अवाम को यह एहसास दिलाया जाता है कि हम गरीब हैं, हमारी किस्मत में गुर्बत है। गुर्बत एक्चुअली नहीं है, हमारे हुक्मरानों ने हमें गरीब बना दिया, वो करप्शन के जरिए हम गरीब हो गए। जो काम हमने करने हैं, यानी बिजली चोरी है तो बिजली जो है उसके हम पैसे जो है वो खुद खा जाते हैं, लाइन लॉसेस तक हो जाते हैं, बिल्स जो हैं वो हम कलेक्ट नहीं कर पाते, लिहाजा लोड शेडिंग हो गई, लोगों को एक बुरी कंडीशन में आपने डाल दिया। खाने पीने का जहां तक तल्लक है, लोगों की बुनियादी जरूरियात आप पूरी नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे भी करप्शन है। करप्शन आपको पनामा लीक्स तक ले गई, यानी अरबों खरबों की करप्शन जो है उसने आपको गरीब कर दिया। और जब आप गुर्बत में चले गए तो फिर आप कैसे किसी का प्रेशर लेंगे? और ये सिर्फ अमेरिका की इमदाद की बात नहीं है, जितने भी डोनर एजेंसीज हैं या जो आपको कर्जे देते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनको इशारा कर दिया जाता है, आपको दबाया जाता है, आपको स्क्वीज किया जाता है। यानी हमें मालूम नहीं है कि रशिया जो था सुपर पावर था वो मईशत की बिना पर टूट गया। आप अपने पांव पर खड़े होने के लिए आपकी मईशत ही आपका दरअसल जो है वो ताकत बनती है। दिफाई जो जरूरियात है वो भी मईशत से ही पूरी होती हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि हम जंग के काबिल हैं, मईशत नहीं है। आज भारत का जंग का बजट देख लें, आपसे 7 गुना है। वो किस हद तक असले में आपसे आगे जा रहा है? तो एक वक्त आएगा कि हम बहुत कमजोर हो जाएंगे इस मामले में भी। तो अगर आपको दिफा भी चाहिए तो वो भी मईशत ही उसका सुतून बनती है। आपको आम हालात में भी मईशत की जरूरत है। आपके हर जगह डेफिसिट क्यों है? तजारत का डेफिसिट है, बजट का डेफिसिट है, कर्जों के अंबार में आप जकड़े गए। इन हालात में आप खुद को कमजोर महसूस नहीं करेंगे तो और क्या होगा? लिहाजा जरा सा दबाव आएगा, आप फौरन उस दबाव के सामने झुक जाएंगे। दबाव भी बर्दाश्त करेंगे, और शकील अफरीदी का दबाव भी बर्दाश्त करेंगे, वो भी बर्दाश्त शायद आप ना कर पाए। बिल्कुल सही। खावर, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर इसका कोई असर पड़ेगा इन इनकशफात का? देखिए, ताल्लुकात पे क्या फ़र्क पड़ना है? अभी जो इंटरनेशनल एक रीओरिएंटेशन हो रही है डिफरेंट ब्लॉक्स की, हम चाइना और रशिया के करीब जा रहे हैं, इंडिया जो है अमेरिका के करीब जा रहा है। अभी मोदी साहब 4-5 विज़िट करके आ चुके हैं अमेरिका के, और उनके आपस में दरमियान जो कोऑर्डिनेशन विद एवरी पासिंग जो है मंथ बढ़ रही है, तो वो डेफिनेटली एक जो रीअलाइनमेंट हो रही है उस पर उसे क्या फ़र्क पड़ना है? फ़र्क वो हमेशा से जा रहा है कि जब भी अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती है हमें इस्तेमाल करता है। हमें 80s में किया, उसके बाद 9/11 के बाद किया, फिर फेंक दिया। अब आने वाले दिनों के अंदर फिर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हमें वो हम जो है कहते हैं फ्रंट लाइन स्टेट हो जाएंगे, नेटो के अलाए हो जाएंगे, सारा कुछ हमें सारे स्टेटस दे दिए जाएंगे, चंद पैसे दे दिए जाएंगे। हलाली साहब ने मेरी बात बिल्कुल वही जो मैं बात कर रहा था, बिल्कुल हमारे पास हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे लोग हैं, टैक्स देना भी चाहते हैं, लेकिन वो टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही। ये मैंने तो नहीं करनी या फरिश्तों ने तो नहीं आगे करनी। जिस मुल्क के इदारे शाजिया पिछले अप्रैल से, आपके FBR पिछले साल से क्या कर रहा है, वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि जो हुकूमती फैमिली के कागजात GIT के सामने पेश होने हैं, उनके टैक्स गोशवारे पेश होने हैं, उसमें कोई बेहतरी करके ऐसे जो इकट्ठे किए जाए कागजात जो कि वो GIT में बचत उनकी बचत हो जाए। ऐसी CP क्या कर रही है? उसका काम है मुल्क के अंदर जो कंपटीशन है उसमें बेहतर जो कंपनीज के दरमियान है मोनोपोली ना हो, वो दूसरे काम पे लगी हुई है। FIA क्या कर रही है, NAB क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सब ने जाके कहा, तो मुल्क के तो इन्होंने सारे इदारों का दिवालिया जो कर दिया हुआ है। जहां तक बात है, अब बिल्कुल सीधी सी वो आपने, जब अपने घर पर आप मजबूत नहीं होंगे, आपकी जो स्ट्रांग फुटिंग में नहीं खड़े होंगे, आप दुनिया से बात नहीं कर सकते। और जो मैक्रो लेवल पे हमें जो स्टैटिस्टिक्स बताई जा रही है, जो खुद हुकूमत बता रही है, कर्जे जिस तरह के बढ़ गए हैं, डेफिसिट हमारा, ट्रेड बजट, बाकी सारे मामला, इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप हमारे हालात अच्छे नहीं, अल्लाह माफ करे। शाहिद लतीफ साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, रशिया सुपर पावर था, दुनिया जहान के उनके पास वेपन्स थे, जब इकोनॉमी डूबी तो आपके पास कुछ चीज खड़े होने के लिए नहीं थी रशिया के पास। खुदा ना खास्ता हमारे साथ ऐसे हालात होते हैं, 23 खरब तक आपके जो कर्जादार जा चुके हैं, तो आप जाएंगे किधर, कहां से पैसे लेंगे? IMF के पास ही जाएंगे ना, तो IMF किसके अंडर काम करता है, किसके अंडर इन्फ्लुएंस करता है? फिर हमें कहा जाएगा कि हमें अफरीदी दे दें, हमें फलाना दे दें, तो आपको जो बेल आउट पैकेज भी मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल कर लूं, मिल जाएगी सवाल कर लूं,
एक आखिरी सवाल कर लूं, बिल्कुल दो मिनट रह गए मेरे पास। हिलाली साहब, इन इंकशाफात के बाद जो सियासी रहनुमा हैं, किसी की तर्दीद नहीं आई इन इंकशाफात पर, इनकी खामोशी क्या जाहिर करती है? आप देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त, नून लीग पंजाब में थी, किसी जानिब से कोई तर्दीद नहीं आई कि ये गलत है, कोई बयान जारी नहीं हुआ, खामोशी क्या जाहिर कर रही है? आप ये रेमंड डेविस के मामले पे आप पूछ रही हैं? जी 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 जी। तो ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स तो बड़े इन्वॉल्व थे शाजिया, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स देखिए 2008 से 13 तक जो गवर्नमेंट था, वो एनआरओ का जो गवर्नमेंट था, वो तो फुल निगोसिएशंस करके आई है ना अमेरिकनों के साथ। आपको पता है वो क्या कंडीशंस थे, बीबी ने खुद वो कंडीशंस बताया थी। और बाय द वे दोस कंडीशंस इंक्लूडेड कि अमेरिकन फोर्सेस भी इधर स्टेशन हो अगर हम मुश्किल पर अगर हम मुश्किल हमें मुश्किल लगा तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, वो तो मान गई थी। तो ये जो गवर्नमेंट्स आते हैं अमेरिकनों के साथ, इनका क्या गठजोड़ होता है? नवाज शरीफ साहब को आप पूछे ना कि हर बर्थडे और हर एनिवर्सरी पे इतने सारे फूल और फल भेजते थे क्लिंटन को, और ये शायद ये ट्रंप को पता नहीं क्या भेजेंगे, पैसे ही भेजना पड़ेगा इसलिए कि ट्रंप फल वल नहीं खाता है ज्यादा, वो पैसे से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो कहने की बात सिर्फ ये है, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि पर्सनली उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हो अमेरिकनों के साथ और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। जफर हिलाली साहब, लतीफ साहब, खावर घुमन में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो गया, नाइट एडिशन के लिए आप फीडबैक देते रहिए। शाजिया जिशान को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।